class. So students, in previous lecture we have learned relation between addition and subtraction, and second topic the facts about subtraction. Okay, so students, in this lecture we are going to learn first of all addition and subtraction. Dono saath mein sikhna hai kya? Addition and subtraction. So chalo abhi dekhte hain ki addition and subtraction dono saath mein kaise karte hain. So for example, 1569 plus 1478 minus 1779. आप सोच रहे होंगे अभी ऐसे इसमें क्या करना है, तो सबसे पहले तो आपको करना है इधर क्या लिखा है 1569 प्लस 1478. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इधर क्या लिखा है 1569 प्लस 1478. तो आपको सबसे पहले इन दोनों का एडिशन करना है. ओके, सो हियर 9 इज इन वन्स प्लेस एंड हियर 8 इज इन वन्स प्लेस. सो 9 प्लस 8 करना है. क्या 9 प्लस 8? सो स्मॉल नंबर कौन सा है? 8 है. तो 8 आपको फिंगर्स पर ले लेना है. 5 6 7 एंड 8. अभी 9 में कितना ऐड करना है? 8. सो 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17. बट 17 है वो क्या है? 2 डिजिट का नंबर है ना. 17 है वो 2 डिजिट का नंबर है. तो 1 की प्लेस पर क्या है? 7 है. सो हियर वी विल राइट 7. एंड 1 की प्लेस पर क्या है? 1 है. तो उसकी आगे के नंबर पर क्या ले लेंगे? कैरी ले लेंगे. ओके, देन 10th प्लेस. हियर 6 इज इन 10th प्लेस एंड हियर 7 इज इन 10th प्लेस. सो 6 प्लस 7 करना है. तो इसमें से स्मॉल नंबर कौन सा है? 6 है. तो वो आपको फिगर्स पर ले लेना है. अभी बिग नंबर कौन सा है? 7 है. तो अभी 7 में आपको 6 ऐड करना है. सो 8 9 10 11 12 एंड 13. एंड 6 प्लस 7 का आंसर 13 आया. बट ऊपर 1 की कैरी है, तो 13 में आप 1 ऐड करोगे तो क्या आएगा? हाँ, क्या आएगा? 14. तो 14 है वो 2 डिजिट का नंबर है, इसलिए 14 में से 1 की बेस पर कौन सा नंबर है? 4. सो हियर वी विल राइट 4. एंड देन 10 की बेस पर कौन सा नंबर है? 1. तो उसकी क्या ले लेंगे हम? आगे के नंबर पर कैरी ले लेंगे. ओके, देन 100th place. Here 5 is in 100th place and here 4 is in 100th place. So 5 plus 4 करना है. Small number कौन सा है? 4 है. तो 4 आपको figures पर ले लेना है. And 5 में भी आपको कितना add करना है? 4 add करना है. So 6, 7, 8 and 9. And 9 answer आएगा. But 9 में अभी हमें क्या add करना है? 1 की carry add करनी है. तो आप 9 में 1 add करोगे तो क्या आएगा? 10. Okay? तो 10 भी 2 डिजिट का नंबर है. तो सबसे पहले 1 की प्लेस पर कौन सा नंबर है? 0. सो हियर वी विल राइट 0. एंड 10 की प्लेस पर कौन सा नंबर है? 1. तो उसकी क्या लेंगे हम? आगे के नंबर पर कैरी ले लेंगे. ओके, देन 1000th प्लेस. हियर 1 इज इन 1000th प्लेस एंड हियर आल्सो 1 इज इन 1000th प्लेस. सो 1 plus 1 2 एंड 2 plus 1 3. So students, what is our answer? Yes, 3047. Okay, अभी जो इधर आंसर आया है वो इन दोनों का आया है ना, प्लस किया हमने, इसलिए ये आंसर है. तो अभी यहाँ पे जो आंसर आया है वो आपको इधर लिखना है 3047. ओके, अभी उसमें क्या करना है? माइनस 1779 माइनस करना है. 1779. आप देख सकते हो इन दोनों का हमने क्या किया? एडिशन किया. तो इन दोनों का आंसर ही आया. अभी इसमें से आपको क्या माइनस करना है? 1779. ओके, चलो. तो एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, आपको क्या करना है?
एंड ये 9 इज इन वन प्लेस. सो 7 माइनस 9 पर 9 पर 7 में से 9 माइनस कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि 7 है उसके साथ 9 माइनस कैसे कर सकते हो. तो क्या करेंगे, 7 के आगे क्या लगाएंगे, 1, एंड उसके आगे के जो नंबर है उसमें से 1 माइनस करेंगे, मतलब कि बोरो लेंगे. तो 4 में से आप 1 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 3. ओके, नाउ हियर 17 इज इन वन्स प्लेस. सो 17 माइनस 9 करना है आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 9 17. अभी 17 माइनस 9 करना है, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. सो हाउ मेनी आर लेफ्ट, 1 2 3 4 5 6 7 and 8. सो हियर वी विल राइट 8. ओके, देन 10th place. Here 3 is in 10th place and here 7 is in 10th place. So 3 minus 7. But 3 में से 7 minus नहीं हो सकता, इसलिए 3 के आगे हम क्या लगाएंगे, 1. And उसके आगे का जो नंबर है उसमें से 1 minus करेंगे. But इधर क्या है, 0 है. तो 0 में से 1 minus नहीं हो सकता, इसलिए क्या लिखेंगे, 9. And उसके आगे का जो नंबर है उसमें से अभी हम 1 minus कर देंगे. Okay? So 3 में से 1 minus करो तो क्या आएगा, 2. ओके, तो आपको पहले इधर आपने 3 के आगे 1 लगाया, फिर इधर आपने 9 लगा दिया, फिर आपको भूलना नहीं है कि हमें यहां से minus 1 करना है, वरना आपका आंसर रॉन्ग आएगा. ओके, चलो नाउ हियर 13 इज इन 10th प्लेस एंड हियर 7 इज इन 10th प्लेस. सो 13 minus 7 करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11, 12 and 13. 13 minus 7. Okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So how many are left? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So here we will write 6. Okay? Then 100 place. Here 9 is in 100 place and here 7 is in 100 place. So 9 minus 7. 5, 6, 7, 8 and 9. 9 minus 7 करने, so 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So how many are left? Yes, 2. So here we will write 2. Then 1000 place. Here 2 is in 1000 place and here 1 is in 1000 place. So 2 minus 1, 1. Okay? So students, what is our answer? 1268. Okay students? आपको इधर पहले प्लस करने का बोला है, तो आपको पहले प्लस करना है, उसका आंसर जो आता है उसमें से आपको माइनस करना है. ओके, देन नेक्स्ट एग्जांपल 2. 4561 माइनस 2287 प्लस 1016. तो आप देख सकते हो इधर क्या है, पहले माइनस की साइन है, तो हमें क्या करना है, पहले माइनस करना है. तो सबसे पहले कौन सा नंबर है, 4561, उसमें से कितने माइनस करने हैं, 2287. ओके स्टूडेंट्स, इसमें पहले प्लस करने था तो हमने प्लस किया, और इसमें अभी पहले माइनस करने का है तो हम पहले माइनस करेंगे. ओके, नाउ हियर 1 इज इन 1 प्लेस एंड हियर 7 इज इन 1 प्लेस. सो 1 माइनस 7, बट 1 में से 7 माइनस नहीं कर सकते, इसलिए 1 के आगे क्या लगाएंगे, 1, एंड उसके आगे का जो नंबर है उसमें से 1 माइनस करेंगे. सो क्या आएगा, 5. ओके, नाउ हियर 11 इज इन 1 प्लेस एंड हियर 7 इज इन 1 प्लेस. सो 11 माइनस 7 करना है आपको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11. 11 minus 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So how many are left? 1, 2, 3 and 4. Okay? So here we will write 4. Then 10th place. Here 5 is in 10th place and here 8 is in 10th place. So 5 minus 8. But 5 is 8 minus 9 कर सकते हैं, इसलिए 5 के आगे क्या लगाएंगे, 1, और उसके आगे के जो नंबर है उसमें से 1 माइनस करेंगे, तो क्या आएगा, 4.
14 and 15. 15 minus 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. So how many are left? 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Okay. So here we will write 7. Then hundreds place. Here 4 is in hundreds place. And here 2 is in hundreds place. 4 minus 2 karna. 4 minus 2. 1 and 2. So how many are left? 2. So here we will write 2. 4 minus 2 to ho sakta hai. Isliye 4 mein se humne 2 minus kar diya. Okay? Then thousands place. Here 4 is in thousands place. And here 2 is in thousands place. So 4 minus 2 karna. So kya aayega? 2. So here we will write 2. Okay students? Our answer is 2274. Okay? अभी इन दोनों का आंसर ये आया, तो अभी ये कौन क्या आया है? 2274. वो हमने इधर लिखा, and उसमें अभी हम क्या ऐड करेंगे? 1060. Okay? जो ये आंसर आया है, उसमें से अभी हम 1060 प्लस करेंगे. Okay? ये 4 is in 1's place and here 6 is in 1's place. So 4 plus 6 kya hota hai? Big number kaunsa hai? 6. And small number kaunsa hai? 4. So 4 aapko fingers par le lena hai. 6 mein aapko 4 add karna hai. So 7, 8, 9 and 10. 10 ko kitne digit ka number hai? 2 digit ka number hai. So here 0 is in 1's place. So here we will write 0. And here 1 is in 10 place. So iski kya lenge aap? Aage ke number par carry lenge. Then 10th place. Here 7 is in 10th place and here 1 is in 10th place. So 7 plus 1. 7 mein aap add karoge to kya aayega? 8. In 8 mein bhi aapko carry ka 1 add karna hai. So kya aayega? 9. So here we will write 9. Then 100th place. Here 2 is in 100th place and here 0 is in 100th place. So 2 plus 0. 2 mein aap 0 add karoge to kya aayega? 2 hi. Okay? Then 1000th place. Here 2 is in 1000th place and here 1 is in 1000th place. So 2 plus 1. 2 mein aap 1 add karoge to kya aayega? 1. Okay students? So aap addition mein aap 6 mein 4 add karo ya fir 4 mein 6 add kar sakte ho, but subtraction mein aap 7 mein se 1 minus nahi kar sakte. Upar jo number diya hua hai usme se aapko minus karna hai niche wala. Agar nahi ho raha hai to aapko kya karna hai? 1 laga ke aage ke number par borrow lena. Okay students? So students, you have to solve exercise number 4.9. It's for your practice. Okay students? यहाँ पे मैंने आपको two examples करवा दिए हैं, ओके? तो जो एक्सरसाइज नंबर 4.9 है, वो आपको प्रैक्टिस करनी है, ओके? ट्राई करना है, ओके? और खुद सॉल्व करने की ट्राई करना है, ओके स्टूडेंट्स? सो स्टूडेंट्स, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज नंबर स्टोरीज, ओके? तो हमने पहले एडिशन में एडिशन के स्टोरीज हम पढ़े हैं ना, नंबर ऑफ स्टोरीज. So students, our next topic is number stories. Okay? हमने पहले क्या सीखा? Number stories of addition. भी addition के chapter में पढ़ लिया. Then number stories of subtraction. ये भी हमने पढ़ा. अभी ये क्या है? Number stories. पर इसमें क्या है? Addition and subtraction both. Okay? इसमें दोनों हैं. Okay. So first of all, first example. There are 4,563 people in a school auditorium. तो सबसे पहले तो क्या कहा गया है कि 4,563 people है वो स्कूल के एक ऑडिटोरियम में है, ओके? 998 of them are girls. मतलब कि 4,000
बॉयज है वो बाकी है. ओके द रिमेनिंग आर बॉयज. हाउ मैनी बॉयज आर देयर इन द ऑडिटोरियम. तो अभी हमें फाइंड क्या करना है कि तो वो बॉयज है वो ऑडिटोरियम में कितने होंगे वो हमें फाइंड करना है. देखो हमें इधर क्या दे दिया है कि ऑडिटोरियम में कितने पीपल है वो दे दिया है, उनमें से गर्ल्स कितनी है वो भी बता दिया है, एंड देन टीचर्स कितने हैं वो भी हमें बता दिया है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट टोटल नंबर ऑफ पीपल इन ऑडिटोरियम. तो टोटल नंबर ऑफ पीपल इन ऑडिटोरियम, तो टोटल नंबर ऑफ पीपल इन ऑडिटोरियम को कितने हैं 4563. ओके देन टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, हाँ टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स है 998. एंड देन टोटल नंबर ऑफ टीचर्स, तो टोटल नंबर ऑफ टीचर्स कितने हैं 1588. तो ये हमें पता चल गया है अभी कि ऑडिटोरियम में इतने पीपल है, गर्ल्स इतनी है एंड टीचर्स इतने हैं. तो अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे कि वी फर्स्ट एड द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड टीचर्स. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि गर्ल्स एंड टीचर्स वो कितने हैं वो हम काउंट करेंगे. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, है ना. सबसे पहले हम ऐड करेंगे. सो क्या करेंगे हम, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स एंड टोटल नंबर ऑफ टीचर्स वो कितने हैं, हाँ टोटल नंबर ऑफ टीचर्स कितने हैं 1588. उसमें आपको प्लस करना है, ऐड करना है टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, तो वो कितने हैं 998. ओके सो हियर 8 इज इन वन्स प्लेस एंड हियर आल्सो 8 इज इन वन्स प्लेस. सो 8 प्लस 8, चलो 8 में अभी आपको 8 ऐड करना है, सो 5 6 7 8. 8 में आपको अभी 8 ऐड करना है, सो 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16. तो 16 आया है, तो 16 मतलब कि 1 6 16 है ना. सो 16 है वो 2 डिजिट का नंबर है, तो उनमें से 6 है वो किधर लिखेंगे हम, इधर. एंड 1 की क्या आ जाएगी ऊपर आगे के नंबर में k दिया जाएगी. ओके देन 10th प्लेस, या 8 इज इन 10th प्लेस एंड या 9 इज इन 10th प्लेस. सो 8 प्लस 9 करना है, तो बिग नंबर कौन सा है 9 है, एंड स्मॉल नंबर कौन सा है 8 है. तो 8 आपको फिंगर्स पर ले लेना है और 9 में आपको 8 ऐड करना है. सो 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17. सो 8 प्लस 9 17, बट ऊपर क्या है 1 की कैरी है ना. सो 17 प्लस 1 18. 18 मतलब कि 2 डिजिट का नंबर है ना. अभी आपको क्या करना है, 1 की प्लेस पर कौन सा नंबर आता है 8 एंड 10 की प्लेस पर 1. ओके सो उसकी क्या ले लेंगे हम, आगे के नंबर पर कैरी, मतलब कि 1 की आगे के नंबर पर कैरी आ जाएगी. Then 100th place, here 5 is in 100th place and here 9 is in 100th place. So 5 plus 9 करना है, तो small number कौन सा है 5 है and big number क्या है 9 है. तो small number 5 है तो आपको fingers पर ले लेना है and 9 में आपको 5 add करना है. So 10, 11, 12, 13 and 14. So 5 plus 9 is 14 and 14 में आपको क्या add करना है, 1 की carry add करना है. So 14 plus 1 15. So 15 है वो क्या है 2 डिजिट का नंबर है. ओके तो उसमें से 1 की प्लेस पर क्या आता है 5. So here we will write 5 and 10 की प्लेस पर क्या आता है 1. उसकी क्या लिखेंगे हम, आगे के नंबर पर कैरी लिखेंगे. ओके देन 1000th प्लेस, ये 1 इज इन 1000th प्लेस एंड हियर एम्प्टी. सो हियर वी विल राइट 0. ओके सो 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, बट 1 में ऊपर 1 की कैरी है, तो क्या 1 में आप 1 ऐड करोगे तो क्या आएगा 2. सो हियर वी विल राइट 2 एंड आवर आंसर इज 2586. बट ये क्या आया है, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स एंड टीचर्स. ओके तो अभी हमें क्या फाइंड, तो हमें क्या करना है टोटल नंबर ऑफ बॉयज. ओके सो वी देन subtract the sum from the total number of people. तो
आगे का जो नंबर है उसमें से 1 माइनस करेंगे, सो 6 से तो क्या आ जाएगा 5। ओके नाउ हियर 13 इज इन बर्थ प्लेस एंड हियर 6 इज इन बर्थ प्लेस, सो 13 माइनस 6 करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and 13, 13 माइनस 6 सो 1 2 3 4 5 and 6, सो हाउ मेनी आ गया है 1 2 3 4 5 6 and 7, सो हियर वी विल राइट 7। ओके देन 10th प्लेस, हियर 5 इज इन 10th प्लेस एंड हियर 8 इज इन 10th प्लेस, सो 5 माइनस 8 बट इधर 5 है और 5 में से 8 माइनस नहीं कर सकते हैं, सो 5 के आगे हम क्या लगा देंगे 1 एंड आगे का जो नंबर है उनमें से 1 माइनस करेंगे, सो 5 में से 1 माइनस करोगे तो क्या आ गया 4, क्या आएगा 4। ओके नाउ हियर 15 इज इन 10th प्लेस एंड हियर 8 इज इन 10th प्लेस, सो 15 माइनस 8 करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15, 15 minus 8 1 2 3 4 5 6 7 and 8, so how many are left 1 2 3 4 5 6 and 7, so here we will write 7। Okay then 100th place, here 4 is in 100th place and here 5 is in 100th place, so 4 minus 5 but 4 mein se 5 minus nahi kar sakte, इसलिए 4 के आगे आप क्या लगाओगे 1 एंड आगे का जो नंबर है उनमें से 1 माइनस करोगे, सो 4 माइनस 1 3। ओके नाउ हियर 14 इज इन 100th प्लेस एंड हियर 5 इज इन 100th प्लेस, सो 14 में से 5 माइनस करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, 14 माइनस 5 1 2 3 4 एंड 5, सो हाउ मेनी आर लेफ्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, so here we will write 9। Then 1000th place, here 3 is in 1000th place and here 2 is in 1000th place, so 3 minus 2 karna hai, 3 mein se aapko 2 minus karna hai, so how many are left, yes it's 1, so total number of boys in the ad auditorium wo kitne hai 1977। ओके सो इधर हम क्या लिखेंगे देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ बॉयज, तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज को हमें कैसे मिला, हाँ टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने थे 4563, उनमें से हमने माइनस किया टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स एंड टीचर्स, वो हमें कितना मिला था 2586, सो हमारा आंसर क्या आया 1977। ओके सो टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं 1977। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको इधर ऐसे लिखना हो पहले तो टोटल नंबर ऑफ पीपल लिखना है 4563, उनमें से हमने दोनों माइनस कर दिए, अगर आपको अलग अलग लिखना है तो आप पहले टीचर्स का लिखना फिर गर्ल्स का, तो कैसे लिखोगे 4563 माइनस 1588 माइनस 998 इज इक्वल टू 1977, हमें यहाँ पे क्या किया है दोनों का प्लस करके लिखा हुआ है ना, तो हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं therefore टोटल नंबर ऑफ बॉयज 4563 माइनस 2586 इज इक्वल टू 1977। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स नाउ लेट अस लर्न विद आवर टेक्स्टबुक एक्सरसाइज, सो स्टूडेंट्स what is right here, solve the problems and write the answer statements। okay to ye aapki kaun si exercise hai 4.10। okay to ye story sum si hai par isme kya hai addition and subtraction dono aapko isme karne hai। okay to chalo sabse pehle to aapko ye acche se read karna hai।
There are 7,654 trees in an orchard. मतलब कि एक orchard है, उसमें कितने trees हैं? 7,654. Of these, 1,515 are apple trees. मतलब कि उनमें से 1,515 trees हैं, वो apple के हैं. And 2,599 are mango tree. क्या? Mango trees. मतलब कि orchard में 7,654 trees हैं, उनमें से apple trees हैं वो कितने हैं? 1,515. And mango trees हैं वो कितने हैं? 2,599. What is the number of the other fruit trees in the orchard? तो अभी हमें find क्या करना है कि number of the other fruit trees, मतलब कि बाकी के जो fruit trees है वो कितने हैं, तो वो हमें find करना है. तो सबसे पहले तो आपको क्या लिखना है? हाँ, पहले आपको लिखना है, इधर क्या दिया है आपको? There are 7,654 trees in an orchard. तो आपको लिखना है कि total number of trees in an orchard. तो total number of trees है वो orchard में कितने हैं? 7,654. ओके, देन एप्पल ट्रीज है वो कितने हैं वो लिखना है. सो हियर वी विल राइट नंबर ऑफ एप्पल ट्रीज. तो कितने हैं वो? 1,515. देन क्या है? मैंगो ट्रीज. सो हियर वी विल राइट नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज. तो मैंगो ट्रीज है वो कितने हैं? 2,599. ओके, तो ये आपने लिख लिया. तो एक ऑर्चर्ड है, उसमें 7,654 ट्रीज है, उनमें से एप्पल ट्रीज है वो कितने हैं? 1,515. एंड मैंगो ट्रीज है वो कितने हैं? 2,599. तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? ओके, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? एप्पल ट्रीज एंड मैंगो ट्रीज है वो उसका टोटल करेंगे, मतलब कि ऐड करेंगे. तो हमें एप्पल ट्रीज एंड मैंगो ट्रीज वो दोनों मिलाकर कितने होते हैं उसका टोटल मिल जाएगा. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फर्स्ट ऐड नंबर ऑफ एप्पल ट्रीज एंड मैंगो ट्रीज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी एड नंबर ऑफ एप्पल ट्रीज एंड मैंगो ट्रीज. तो एप्पल ट्रीज है वो कितने हैं? 1,515 प्लस ऐड करेंगे, मतलब कि प्लस करेंगे. ओके, वी फर्स्ट ऐड नंबर ऑफ एप्पल ट्रीज एंड मैंगो ट्रीज. सो सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे? एप्पल ट्रीज कितने हैं? 1,515. उसमें ऐड करेंगे मैंगो ट्रीज. तो मैंगो ट्रीज कितने हैं? 2,599. ओके, सो हियर 5 इज इन वंस प्लेस एंड हियर 9 इज इन वंस प्लेस. सो 5 प्लस 9 क्या होता है? 14. सो हियर वी विल राइट 4, है ना? 14 मीन्स की 1, 4, 14. तो 4 कहाँ पे लिखेंगे? नीचे. एंड 1 की क्या आ जाएगी? आगे के नंबर पर कैरी आ जाएगी. ओके, देन 10th प्लेस. हियर 1 इज इन 10th प्लेस एंड हियर 9 इज इन 10th प्लेस. सो 1 प्लस 9. सो 1 में आप 9 ऐड करो या फिर 9 में 1 ऐड करो, दोनों सेम ही है. सो 9 में आप 1 ऐड करोगे तो क्या आएगा? 10. एंड 10 में अभी आप कैरी का 1 ऐड करोगे तो क्या आएगा? 11. तो इधर आप क्या लिखोगे? 1. एंड आगे के नंबर में क्या आ जाएगी? 1 की कैरी. हो गया ये 11.
एडिशन में आप ऐड कर सकते हो 1 में 9 या फिर 9 में 1, बट सब्ट्रैक्शन में आप ऐसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि एडिशन में हमें ऐड करना है एंड सब्ट्रैक्शन में हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब कि माइनस करना है. ओके, देन हंड्रेड्स प्लेस, हियर 5 इज इन हंड्रेड्स प्लेस एंड हियर आल्सो 5 इज इन हंड्रेड्स प्लेस. सो 5 प्लस 5 क्या होता है, 10, एंड 10 प्लस 1 सो 11. सो हियर वी विल राइट 1 एंड 1 की क्या आ जाएगी, आगे के नंबर पर कैरी आ जाएगी. ओके, देन थाउजेंड्स प्लेस, हियर 1 इज इन थाउजेंड्स प्लेस एंड हियर 2 इज इन थाउजेंड्स प्लेस. सो 1 प्लस 2 क्या होता है, 3, एंड 3 में अभी आपको क्या ऐड करना है, 1 की कैरी ऐड करनी है. सो 3 प्लस 1 4, सो व्हाट इज आवर आंसर, 4114. ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ एप्पल ट्रीज एंड मैंगो ट्रीज. ओके, देन तो अभी हम क्या करेंगे, वी देन सब्ट्रैक्ट द सम फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन ऑर्चर्ड. ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, हाँ, वी देन सब्ट्रैक्ट द सम फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन ऑर्चर्ड. तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज है वो कितने हैं, 7654 है. ओके, उनमें से आपको जो सम इधर आया है, जो हमारा इधर आंसर आया है, वो आपको सब्ट्रैक्ट करना है. सो सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, कौन सा लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन एन ऑर्चर्ड. ओके, सो कितने है वो, 7654, उनमें से सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब कि माइनस करना है, कौन सा वाला, यहाँ पे जो सम आया है वो 4114. ओके, तो चलो अभी इसमें माइनस करना है. ओके, हियर 4 इज इन वन्स प्लेस एंड हियर आल्सो 4 इज इन वन्स प्लेस. सो 4 माइनस 4 0, देन टेंस प्लेस, हियर 5 इज इन टेंस प्लेस एंड हियर 1 इज इन टेंथ प्लेस. सो 5 माइनस 1 सो 4, देन हंड्रेड्स प्लेस, हियर 6 इज इन हंड्रेड्स प्लेस एंड हियर 1 इज इन हंड्रेड प्लेस. सो 6 माइनस 1 क्या आएगा, 5. देन थाउजेंड्स प्लेस, हियर 7 इज इन थाउजेंड्स प्लेस एंड हियर 4 इज इन थाउजेंड्स प्लेस. सो 7 माइनस 4, तो 7 माइनस 4 है वो कितने आएंगे, 3. तो टोटल नंबर ऑफ अदर ट्रीज वो कितने हो गए, 3540. ओके, एप्पल ट्रीज है वो कितने हैं, 1515. देन मैंगो ट्रीज है वो कितने हैं, 2599. इन दोनों का टोटल कर दिया हमने, एंड जो ऑर्चर्ड में ट्रीज है, टोटल ट्रीज, वो उनमें से हमने मैंगो ट्रीज एंड एप्पल ट्रीज वो दोनों का टोटल माइनस किया, तो हमें पता चल गया अभी कि अदर फ्रूट ट्रीज है वो ऑर्चर्ड में कितने हो गए. सो हियर वी विल राइट टोटल नंबर ऑफ अदर फ्रूट ट्रीज. ओके, तो अदर फ्रूट ट्रीज है वो कितने हो गए, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ऑर्चर्ड में कितने थे, 7654, उनमें से माइनस करना है क्या, एप्पल ट्रीज कितने थे वो 1515, देन उनमें से माइनस करना है मैंगो ट्रीज 2599, एंड इज इक्वल टू हमारा लास्ट का आंसर क्या आया है, 3540. तो ये क्या है, हमारा आंसर है. ओके,
अगर आप ऐसे लिखते therefore total number of other fruit trees 7654 माइनस आप ये भी डायरेक्ट लिख देते तो भी चलेगा क्योंकि आंसर तो यही आने वाला है. ओके आप 7654 में से अलग अलग माइनस करो या फिर दोनों का टोटल माइनस करो, दोनों का आंसर सेम ही आता है. ओके देन नेक्स्ट एग्जांपल सेकेंड. सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 2578 and 3967 फ्रॉम द ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर. तो इसमें क्या करना है कि आपको क्या करना है इसमें कि ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर है उनमें से ये एंड ये दोनों आपको माइनस करने हैं. ओके एंड कौन सा नंबर है वो मिलता है वो हमें फाइंड करना है. सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 2578 and 3967 फ्रॉम द ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर. तो ये दोनों नंबर है वो आपको किस में से माइनस करना है, ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर. ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर वो कौन सा है, ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर कौन सा आता है, हाँ 9999 क्योंकि इनके बाद तो कौन सा नंबर आ जाता है 10,000. ओके तो ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर है वो कौन सा है 9999. देन नंबर ए, तो नंबर ए वो कौन सा है 2578. देन नंबर बी वो कौन सा है 3967. पहले आपको ये लिख देना है. ओके स्टूडेंट्स देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी फर्स्ट एड नंबर ए एंड नंबर बी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी एड नंबर ए एंड नंबर बी. तो सबसे पहले क्या ऐड करेंगे हम, नंबर ए एंड नंबर बी. ओके सो नंबर ए कौन सा है 2578. देन नंबर बी है वो कौन सा है 3967. तो हमें ऐड करना है ना. सो हियर 8 इज इन वंस प्लेस एंड हियर 7 इज इन वंस प्लेस. सो 8 + 7 क्या होता है 15. क्या होता है 15. सो हियर वी विल राइट 5 एंड 1 की क्या आ जाएगी आगे के नंबर पर कैरी आ जाएगी. ओके देन टेंथ प्लेस हियर 7 इज इन टेंथ प्लेस एंड हियर 6 इज इन टेंथ प्लेस. सो 7 + 6 क्या होता है 13 एंड 13 में अभी आपको क्या ऐड करना है कैरी का 1 ऐड करना है. सो क्या आएगा 14. 14 मींस की 1 4 14. तो उसमें 4 कहाँ पे लिखेंगे नीचे एंड आगे के नंबर में 1 की कैरी आ जाएगी. हो गया ये 14. देन हंड्रेड्स प्लेस हियर 5 इज इन हंड्रेड्स प्लेस एंड हियर 9 इज इन हंड्रेड्स प्लेस. सो 5 + 9 क्या होता है 14 एंड 14 में आपको कैरी का 1 ऐड करना है तो क्या आएगा 15. 15 मींस की 1 5 15. तो 5 कहाँ पे आएगा इधर एंड आगे के नंबर में 1 की कैरी आ जाएगी. हो गया ये 1 and 5 15. ओके देन थाउजेंड्स प्लेस हियर 2 इज इन थाउजेंड्स प्लेस एंड हियर 3 इज इन थाउजेंड्स प्लेस. सो 2 + 3 क्या होता है 5 एंड 5 + 1 6. सो हियर वी विल राइट 6 एंड अवर आंसर इज 6545. ये क्या मिला नंबर टोटल नंबर ऑफ ए एंड नंबर बी. ओके टोटल
total of number A and number B. Okay, then we subtract the sum from the greatest four digit number. We then subtract the sum from the greatest four digit number. तो greatest we then subtract the sum from the greatest four digit number. Okay, तो आपको क्या करना है, greatest four digit का number है वो कौन सा है, 9999. उनमें से जो इधर sum आया है वो आपको minus करना है, subtract करना है. Okay, so first of all we will write ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर. तो वो कौन सा है, हाँ कौन सा है वो, 9999. उनमें से आपको क्या माइनस करना है, जो इधर सम आया है वो माइनस करना है, 6545. ओके, ये 9 इज इन वंस प्लेस एंड ईयर 5 इज इन वंस प्लेस. सो 9 माइनस 5, तो 9 में से 5 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 4. देन टेंथ प्लेस, ईयर 9 इज इन टेंथ प्लेस एंड ईयर 4 इज इन टेंथ प्लेस. सो 9 माइनस 4, 9 माइनस 4 करोगे तो क्या आएगा, 5. देन हंड्रेड प्लेस, ईयर 9 इज इन हंड्रेड्स प्लेस एंड हियर 5 इज इन हंड्रेड्स प्लेस. सो 9 माइनस 5 करोगे तो क्या आएगा, 4. देन थाउजेंड्स प्लेस, हियर 9 इज इन थाउजेंड्स प्लेस एंड हियर 6 इज इन थाउजेंड्स प्लेस. सो 9 माइनस 6, सो 9 माइनस 6 इज 9, में से आप 6 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 3. ओके, सो व्हाट इज आवर आंसर, 3454. ओके, सो नीचे अभी आपको क्या लिखना है, देयरफॉर क्या किया आपने, हाँ ग्रेटेस्ट फोर डिजिट वाला नंबर कौन सा है, 9999. उनमें से क्या माइनस करना है आपको, पहले तो नंबर ए 2578, then number B 2967. So हमारा आंसर क्या आया, 3454. ओके, तो सबसे पहले तो आपको क्या लिखना है कि greatest four digit number वो लिख दिया, then number A, then number B. ओके, तो पहले तो हमने number A and number B को क्या किया, plus किया, और उसका जो आंसर आया है उसका क्या किया हमने, ग्रेटेस्ट फोर डिजिट वाला नंबर था उनमें से ये माइनस किया, एंड अभी जो नंबर मिला वो हम कौन सा है, 3454. ओके स्टूडेंट्स, देन नेक्स्ट एग्जांपल 3, राइट बाय योर ओन. ओके स्टूडेंट्स, देन नेक्स्ट एग्जांपल 4, फ्रॉम द ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर subtract the sum of the greatest and smallest three digit numbers. तो आपको क्या एक भी नंबर इधर दिया नहीं है, आप देखो, तो आपको क्या करना है, from the greatest four digit number. okay, तो आपको सबसे पहले क्या लेना है, greatest four digit number मतलब कि सबसे बड़ा नंबर, subtract the sum of the greatest एंड स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर. तो आपको पहले फोर डिजिट का नंबर लेना है, उसमें से आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना है, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर, मतलब कि ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर, सबसे बड़ा एंड सबसे छोटा थ्री डिजिट का नंबर है वो आपको माइनस करना है. किसमें से माइनस करना है, ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर में से माइनस करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट ग्रेटेस्ट four digit
नंबर। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ग्रेटेस्ट फोर डिजिट वाला नंबर है वो कौन सा है, 9999। देन आपको क्या लिखना है, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर। तो ये तो था ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर, अभी ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर है वो कौन सा है, थ्री डिजिट 999। क्योंकि 999 है उसके बाद तो क्या आ जाएगा, उसका आफ्टर नंबर कौन सा है, 1000। तो 1000 मतलब तो वो क्या हो गया, फोर डिजिट हो गया, इसलिए ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर है वो कौन सा है, 999। ओके, देन स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर, तो स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर है वो कौन सा है, 100। क्योंकि 100 के बिफोर नंबर कौन सा आता है, 99, तो वो तो टू डिजिट हो गया। ओके, इसलिए स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर है वो कौन सा है, 100। ओके, सो वी फर्स्ट एड ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे हम, ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर है वो दोनों का क्या करेंगे, एडिशन करेंगे वो दोनों का। ओके, वी फर्स्ट एड ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर, तो वो कौन सा है, 999। एंड स्मॉलेस्ट नंबर है वो कौन सा है, 100। तो उनको क्या करना है, ऐड करना है, एडिशन करना है। ओके, तो चलो हियर 9 इज इन वंस प्लेस एंड हियर 0 इज इन वंस प्लेस, सो 9 प्लस 0 क्या होता है, 9। ओके, देन टेंस प्लेस, हियर 9 इज इन टेंस प्लेस एंड हियर 0 इज इन टेंस प्लेस, सो 9 प्लस 0, आप 9 में 0 ऐड करोगे तो क्या आएगा, 9। देन हंड्रेड्स प्लेस, हियर 9 इज इन हंड्रेड्स प्लेस एंड हियर 1 इज इन हंड्रेड प्लेस, सो 9 प्लस 1, 9 में आप 1 ऐड करोगे तो क्या आएगा, 10। तो इधर आपको 10 लिखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि आगे कोई भी नंबर नहीं है तो हम कैरी कहाँ से लेंगे, इसलिए हमारा आंसर क्या आया, 1099। ओके, देन सबट्रैक्ट द सम फ्रॉम द ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर। तो अभी आपको क्या करना है, वी देन सबट्रैक्ट द सम फ्रॉम द ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर। अभी जो इधर आपको सम आया है उसका क्या करना है आपको, हाँ उसका आपको करना है ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर में से ये वाला सम आपको माइनस करना है। ओके, तो ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर है वो कौन सा है, 9999। उसमें से आपको क्या माइनस करना है, ये वाला जो सम आपका आया है, जो आपका आंसर आया है वो माइनस करना है, 1099। ओके, हियर 9 इज इन वंस प्लेस एंड हियर ऑल्सो 9 इज इन वंस प्लेस, सो 9 माइनस 9
सो 9 माइनस 9 क्या होता है 0. देन टेंथ प्लेस, हियर 9 इज इन टेंथ प्लेस एंड हियर ऑल्सो 9 इज इन टेंथ प्लेस. सो 9 माइनस 9 क्या होता है 0. ओके देन हंड्रेड्स प्लेस, हियर 9 इज इन हंड्रेड्स प्लेस एंड हियर 0 इज इन हंड्रेड्स प्लेस. सो 9 माइनस 0, तो 9 में से आप 0 माइनस करोगे तो क्या रहेगा 9. ओके देन थाउजेंड्स प्लेस, हियर 9 इज इन थाउजेंड्स प्लेस एंड हियर 1 इज इन थाउजेंड प्लेस. सो 9 माइनस 1, तो 9 में से आप 1 माइनस करोगे तो क्या आएगा 8. तो क्या आंसर आया 8900. क्या आंसर आया 8900. तो इधर हम नीचे लिखेंगे देयरफॉर, किस में से वह ग्रेटेस्ट कौन सा नंबर था यहाँ पे, हाँ 9999, उसमें से क्या माइनस किया हमने 999 माइनस 100. ओके तो क्या आंसर आया हमारा 8900. ओके आप इधर ऐसे लिखते 9999, उसमें से आपको ये माइनस करना है तो भी चलेगा, क्योंकि ये क्या है जो इधर नीचे लिखा है वो क्या है, ये ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट ही है ना. तो आपको फिर क्या करना है 9999 माइनस 999 माइनस 100, तो कौन सा आंसर आ जाएगा 8900. ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जाम्पल 5 राइट बाय योर ओन. ओके स्टूडेंट्स एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल 6 अ मैन अर्न अ टोटल ऑफ रुपीज 9220 अ मंथ. मतलब कि एक मैन है वो कितना अर्न करता है टोटल मंथ में, कितना अर्न करता है रुपीज 9220. ही स्पेंट रुपीज 2758 ऑन हाउस रेंट. तो जो उसकी सैलरी है मंथ की 9220, ओके उनमें से वो कितने पैसे है वो अपने हाउस रेंट के लिए स्पेंड करता है 2758 एंड रुपीज 3498 ऑन फूड. मतलब कि खाने के लिए जो चीज़ें लाता है उनके ऊपर वो कितना स्पेंड करता है रुपीज 3498. हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट विथ हिम. तो अभी टोटल हमें क्या कितने उसके पास लास्ट में पैसे है वो बाकी रहते हैं वो हमें फाइंड करना है, क्योंकि 9220 उसकी सैलरी है उनमें से वो हाउस रेंट के लिए दे देता है 2758 एंड वो फूड के लिए यूज करता है, फूड के लिए स्पेंड करता है, वो कितने रुपीज है 3498. तो अभी उसके पास कितने पैसे बाकी रहते हैं वो हमें फाइंड करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट टोटल अर्निंग ऑफ मंथ. टोटल अर्निंग ऑफ मंथ मतलब कि मंथ में वो कितने पैसे कमाता है रुपीज 9220. देन रुपीज स्पेंट ऑन हाउस रेंट. तो हाउस रेंट के लिए वो कितने पैसे देता है रुपीज 2758. देन रुपीज स्पेंड ऑफ फूड. फूड के लिए वो कितने रुपीज स्पेंड करता है 3498. ओके तो सबसे पहले तो हम किसका एडिशन करेंगे हाउस रेंट एंड फूड का. ओके सो वी फर्स्ट एड रुपीज स्पेंट
on house rent and food. So first of all, we add rupees spent on house rent and food. तो इन दोनों का हम क्या करेंगे? एडिशन करेंगे. ओके, तो सबसे पहले तो वो हाउस रेंट के लिए कितने पैसे स्पेंड करता है? रुपीस 2758. एंड फूड के लिए वो कितने रुपीस स्पेंड करता है? रुपीस 3498. ओके, तो इन दोनों का हमें क्या करना है? प्लस करना है. सो हियर 8 इज इन वन्स प्लेस एंड हियर आल्सो 8 इज इन वन्स प्लेस. सो 8 + 8 = 16. सो 16 मींस की 1 6 16. सो हियर वी विल राइट 6 एंड आगे क्या आ जाएगा? 1 की कैरी. हो गया 1 6 16. ओके, देन tens place. Here 5 is in tens place and here 9 is in tens place. So 5 plus 9 कितने होते हैं? 14. And 14 में आप 1 ऐड करोगे तो क्या आएगा? 15. 15 means कि 1 5 15. तो उनमें से 5 है वो कहाँ पे आएगा? नीचे. And आगे क्या आ जाएगा? 1 की कैरी. 1 5 15 हो गया. Then hundreds place. Here 7 is in hundreds place and here 4 is in hundreds place. So students, 7 plus 4 क्या होता है? 11. And 11 में आप 1 ऐड करो तो क्या आएगा? 12. 12 means की 1 to 12. तो 2 कहाँ पे लिखेंगे? इधर. And 1 की क्या आ जाएगी? carry. Okay, then thousands place. Here 2 is in thousands place and here 3 is in thousands place. So 2 plus 3 क्या होता है? 5. And 5 में आप 1 ऐड करोगे तो क्या आएगा? 6. तो टोटल रुपीस है हाउस रेंट एंड फूड. तो टोटल मिलाकर वो कितने रुपीस दोनों में स्पेंड करता है? 6256. ओके, वी then subtract the sum from the total earning of month. We then subtract the sum from the total earning of month. तो total earning of month है वो, मतलब कि वो month में total कितना earn करता है? 9,220. उसमें से आपको क्या subtract करना है? 6,256. यहाँ पे लिखा है कि subtract the sum from the total earning of month. तो total earning में से आपको जो sum, मतलब कि answer मिला है, वो आपको सबट्रैक करना है. ओके, तो टोटल अर्निंग ऑफ मंथ्स वो कितना है? 9,220. उसमें से आपको जो सम मिला है वो आपको माइनस करना है 6,256. ओके, हियर 0 इज इन वन्स प्लेस एंड हियर 6 इज इन वन्स प्लेस. सो 0 - 6, बट 0 में से आप 6 माइनस नहीं कर सकते हो. तो 0 के आगे आपको क्या लगाना है? 1. एंड आगे के नंबर में से आपको 1 माइनस करना है. सो 2 में से आप 1 माइनस करोगे तो क्या आएगा? 1. ओके, नाउ हियर 10 इज इन वन्स प्लेस एंड हियर 6 इज इन वन्स प्लेस. सो 10 - 6 क्या होता है? 4. ओके, देन टेंस प्लेस. हियर 1 इज इन 10th प्लेस एंड हियर 5 इज इन 10th प्लेस. सो 1 - 5, बट 1 में से आप 5 माइनस नहीं कर सकते हो, इसलिए 1 के आगे क्या लगाएंगे? 1. एंड आगे के नंबर में से 1 माइनस करेंगे. सो 2 है तो क्या आ जाएगा? 1. ओके, क्योंकि 2 में से आप 1 माइनस करोगे तो क्या आएगा? 1. ओके, नाउ हियर 11 इज इन 10th प्लेस एंड हियर 5 इज इन 10th प्लेस. सो 11 - 5 क्या होता है? 6. देन हंड्रेड्स प्लेस.
Here 1 is in 100th place and here 2 is in 100th place. So 1 minus 2, but 1 में से आप 2 minus नहीं कर सकते हो, इसलिए 1 के आगे आप क्या लगाओगे? 1 and आगे के नंबर में से 1 आपको minus करना है. So 9 minus 1, 8. Okay? Now here 11 is in 100th place and here 2 is in 100th place. So 11 minus 2 क्या आता है? 9. Then thousands place. Here 8 is in thousands place and here 6 is in thousands place. So 8 minus 6 क्या होता है? 2. So अभी total उसके पास कितने पैसे बाकी रहेंगे? हाँ, कितने पैसे बाकी रहेंगे? 2964. Okay? इतने रुपीस उसके पास बाकी रहेंगे. Okay? So here we will write. Therefore, rupees left with man. तो सबसे पहले तो क्या लिखेंगे? Total earning of month. वो कितना था? 9,220. फिर क्या लिखना है आपको? हाउस रेंट 2758 एंड उसमें से आपको क्या माइनस करना है? फूड. फूड का कितना था? 3498. तो अभी आपको टोटल है वो कितना आया है? 2964. ओके, अगर जगह नहीं है तो आप ऊपर भी लिख सकते हो. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल 7 write by your own. Okay students, then next example 8. From the sum of the greatest and smallest 3 digit numbers. So kya likha hai? From the sum of the greatest and smallest 3 digit numbers subtract the smallest 4 digit number. So sabse pehle to aapko kya karna hai? हाँ, greatest and smallest 3 digit number लिखना है and उन दोनों का जो sum आए उनमें से आपको subtract करना है. क्या subtract करना है? Smallest 4 digit number. Okay, so first of all we will write greatest three digit number. Greatest 3 digit number वो कौन सा है? 999. Then smallest 3 digit number. Smallest 3 digit number वो कौन सा है? 100. आप देखो greatest 3 digit number वो कौन सा है? 999. क्योंकि 999 के बाद क्या आ जाता है? 1000. तो वो तो क्या हो गया? 4 digit number है ना, इसलिए greatest 3 digit number है 999. Then smallest 3 digit number, तो smallest 3 digit number है वो कौन सा है? 100. क्योंकि 100 के पहले क्या आता है? 99. तो वो क्या हो गया? 2 digit number. Okay, so smallest 3 digit number is 100. Then kya likhna hai? Smallest 4 digit number. So here we will write smallest 4 digit number. So smallest 4 digit number wo kaun sa hai? 1000. क्योंकि 1000 के पहले क्या आता है? 999. तो वो तो 3 डिजिट नंबर हो गया. सो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है? 1000. ओके, सो वी फर्स्ट ऐड ग्रेटेस्ट एंड smallest 3 digit numbers.
Okay. We first add greatest and smallest three digit number. So सबसे पहले हम क्या add करेंगे? Greatest and smallest three digit number. So greatest three digit number and smallest three digit number. तो greatest three digit number वो कौन सा है? 999. And smallest three digit वो number कौन सा है? 100. Okay? तो इन दोनों को क्या करना है? एडिशन करना है. ओके, हियर 9 इज इन वंस प्लेस एंड हियर 0 इज इन वंस प्लेस. सो 9 प्लस 0 क्या होता है? 9. देन टेंस प्लेस, हियर 9 इज इन टेंस प्लेस एंड हियर 0 इज इन टेंस प्लेस. सो 9 प्लस 0 क्या होता है? 9. देन हंड्रेड्स प्लेस, हियर 9 इज इन हंड्रेड्स प्लेस एंड हियर 1 इज इन हंड्रेड प्लेस. सो 9 प्लस 1 क्या होता है? 10. 10 टू डिजिट का नंबर है बट इसके आगे कोई भी नंबर नहीं है, तो हम कैरी कैसे ले सकते हैं? इसलिए हमने इधर क्या लिखा? 10. सो आवर आंसर इज 1099. ओके, देन we then subtract the smallest four digit number from the sum. When then subtract the smallest four digit number from the sum. मतलब कि यहाँ पे जो हमारा sum आया है, हमारा answer आया है, उनमें से क्या minus करना है, क्या subtract करना है? Smallest four digit number. Okay? So पहले तो sum, मतलब कि answer क्या आया है? हाँ, 1099. उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है? फोर डिजिट, स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर. तो वो कौन सा है? 1000. ओके, इधर क्या लिखा है? तो इधर क्या लिखा है? वी देन सब्ट्रैक्ट द स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर फ्रॉम द सम. मतलब कि यहाँ पे जो हमारा आंसर आया है वो हमने इधर लिखा, उनमें से क्या माइनस करना है? स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर. तो वो भी हमने लिख लिया. ओके, सो हियर 9 इज इन वंस प्लेस एंड हियर 0 इज इन वंस प्लेस. सो 9 माइनस 0 क्या होता है? 9. देन टेंस प्लेस, हियर 9 इज इन टेंस प्लेस एंड हियर 0 इज इन टेंस प्लेस. सो 9 माइनस 0, अब कोई भी नंबर में से 0 माइनस करो तो क्या रहेगा? वही का वही नंबर. सो 9 माइनस 0 इज 9. देन हंड्रेड्स प्लेस, हियर 0 इज इन हंड्रेड्स प्लेस एंड हियर ऑल्सो 0 इज इन हंड्रेड्स प्लेस. सो 0 माइनस 0 क्या आएगा? 0. देन थाउजेंड्स प्लेस, हियर 1 इज इन थाउजेंड्स प्लेस एंड हियर ऑल्सो 1 इज इन थाउजेंड प्लेस. सो 1 माइनस 1 क्या होगा? 0. सो आवर आंसर इज 99. सो हियर वी विल राइट देयरफॉर therefore 999. फिर हमने क्या किया? प्लस 100 किया ना. सो प्लस 100 माइनस, इनमें से क्या किया अभी हमने? 1000 माइनस किया है ना. सो इज इक्वल टू 99. ओके स्टूडेंट्स, therefore 999 plus 100 and minus 1000, क्योंकि इन दोनों का जो टोटल आया है वो ही हमने इधर लिखा है, तो ये तो हमने अलग अलग इधर लिख दिया है. अगर आप यही नीचे लिख दो तो भी वो राइट है. ओके स्टूडेंट्स, देन नेक्स्ट एग्जाम्पल 9 and 10, राइट बाय योर ओन, इट्स फॉर योर प्रैक्टिस. ओके स्टूडेंट्स,